नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में स्वस्थ भारत दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ एडीएमसी के कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर है, तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भरत तिवारी मुर्दाबाद, 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 भरत तिवारी मुर्दाबाद, 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 भरत तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भरत तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यह प्रदर्शन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भरत तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तिवारी पूरी एक होगी। और ये उन्होंने ऐसा नहीं करा, तीनों निगम को जो विभाजित करते सीधा सरकार ने, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी जो पूरी दिल्ली एक हो जाएगी, तीनों निगम एक हो जाएंगे और सीधा पैसा हमारा जो निगम का कर्मचारियों का सीधा पैसा यहाँ पर आएगा, एक फंड में आएगा। लेकिन मनोज तिवारी ने यह कहा था कि नए चेहरे नई ऊर्जा लेकर के हम आएंगे, नई चेहरे नई ऊर्जा हम लेकर के आएंगे। लेकिन हम हमारे कर्मचारी भाई है ना, उनका पक्का किया जा रहा है ना, उनको पैसे दिया जा रहा है। हम आपके मदद से बताना चाहते थे जो हमारे कच्चे कर्मचारी उन्हें पक्का किया जाए, और जो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम करो या मरो का आंदोलन ऐसे लाएंगे जो हम कर देंगे। हम तो आप आज मनोज तिवारी का यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छता को लेकर, तो आप काले झंडे दिखा के क्या प्रदर्शन, काले झंडे दिखा के दिखाना चाहते हैं कि आज पब्लिक के लिए तो आप इतना कर रहे हैं जो कि हमारे सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं कर रहे। पहले हमारा बाद में पब्लिक का कुछ हो और हमें बंद करने। हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है, हमारे बार हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे, मनोज तिवारी का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छता अभियान चला रही है वो गरीब लोगों का, मजदूर लोगों को कुचलने की बात करती है। वो कहती है सबका साथ सबका विकास, हमारा कहाँ विकास हो रहा है? 13,000 रुपए में तो 4,000 रुपए हमारी तनखा काट दी, हम कैसे गुजारा करेंगे? एक तरफ करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान के ऊपर लगा रही है और एक तरफ मजदूरों का शोषण कर रही है। ये कैसा मोदी सरकार है? ये तो मोदी मोदी सरकार नहीं है, ये सब जनता भूखी है, मोदी सरकार झूठी है। मोदी मनोज तिवारी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सफाई कर्मचारी मर जाता है, अंधा हो जाता है, बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद मृत्यु हो जाती है, कोई नहीं देखता। इसीलिए ऐसे पत्ते सगेरे से कागज सगेरे से सफाई अभियान निपुण नहीं होता। हमारे कर्मचारी कंधों पर है अभियान को सफल करने का, हमारा सफाई कर्मचारी ये कंधों पर देश को रक्षा सफाई करने की जिम्मेदारी है। हम इसलिए जो करते हैं, इस वजह से सफाई अभियान सफल नहीं होगा, इसको हम ही सक्सेस बना सकते हैं, हम ही फैल कर सकते हैं। कर रहे हम लोग अभी जेसीपी साहब आए हैं, कहा कि या तो आप वापस अपने घर चले जाइए और नहीं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लाठीचार्ज करा जाएगा और आपकी 6-6 महीने जमानतें नहीं होंगी। ये कौन सा कानून है? ठीक है, आप लोगों की मांगे रखी हैं। हम मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने हमें अगवा वो करा था गुमराह 8 महीने पहले कि भाई तुम लोगों के जो है, हम लोग 8 महीने के डंडी में तुम्हारी मांग डिमांड खत्म कर दूंगा। आज बड़ी मांग तुम्हारी स्वच्छता के नाम पे फिर यहाँ आ गया, हम लोग आज फिर रोजी रोटी के लिए पड़े हुए। पॉलिसी में बनाता हूँ, उस टाइम सीट में तो हम बनाए हुए, कोई बात नहीं हुआ।